हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे कोने वीडियो में जिसका नाम है सुपरमार्केट सिम्युलेटर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने स्टोर को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया था, और जो भी हमारा यहाँ पे दो सेक्शन बचा हुआ था उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अभी जो हमारा अगला जो सेक्शन यहाँ पे अनलॉक होगा वो उसकी रकम जो है कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे 24,600 है और 31,000 है। मतलब अब धीरे धीरे हम लोग को और दिक्कत होने वाली है। और यह जो लाइसेंस है और ये इसका जो प्राइस है 5,600 है, और 5,600 ये भी है जो कि 42 लेवल वाला है। और अभी हमारा जो है 51 लेवल पे हो चुका है, जो कि मैं अभी 52 पे पहुंच जाऊंगा कुछ ही देर में। और हम लोगों ने यहाँ पे हायरिंग वाला जो टास्क होता है उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग 3 कैशियर को भी अभी हायर करेंगे, अभी तक मैंने इसको हायर नहीं किया है। और क्योंकि जैसे मैंने हायर किया, मतलब जैसे ही मैंने इसको अनलॉक किया ना, उसके बाद मैं अपना जो स्टोर है उसको मैं पूरा का पूरा फिल करने में लग गया और इसको अरेंज करने में लग गया था मैं। सही में गाइस, इसको करने में मुझे कम से कम पूरा 2 घंटा लग गया। आधा घंटा तो मुझे सिर्फ इसको सेल्फ को यहाँ पे अरेंज करने को लग गया। और गाइस, हम लोगों ने फ्रिज को यहाँ पर यहाँ एकदम लास्ट में लगा दिया है, जो कि देखने में अच्छा भी लग रहा है। एक लाइन से मैंने पूरा यहाँ पे लगा दिया है। भाई का कमेंट भी आया था कि हम लोग को फ्रिज को शायद ऐसे लगाना चाहिए था, और मैंने 2 फ्रीजर को यहाँ पे परचेज करके लगा दिया है। यार मैं फ्रीजर और फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता हूँ बोलने में। यार यार कुछ और नाम रख देते हैं, चलो ठीक है। और ये दोनों जो नमूने हैं, मतलब कि कैश काउंटर है, इसको मैंने अभी पैक किया हुआ है, क्योंकि सारा का सारा जो है मैं ही कर रहा था, तभी जाके हमारा इतना फटाफट से हो गया था वो हायरिंग टास्क वाला। और गाइस ये देखिए, हम लोगों ने पहले दो दो कॉपी यहाँ पे ऑर्डर करते थे, लेकिन अब हम लोग इतना ज़्यादा कॉपी कर दिए हैं, इतना ज़्यादा ऑर्डर कर दिए। मतलब एक सेल्फ में जैसे एक सेल्फ में 2 सेक्शन होते हैं, तो हम लोगों ने एक सेल्फ में एक सेक्शन में सिर्फ सेम सेम यहाँ प्रोडक्ट को रखा हुआ है। जैसे कि ये हो गया, ये ऑयल हो गया, ये शुगर पाउडर और ये सब हो गया। देखने में कितना अच्छा लग रहा है भाई, लेकिन उतना ही इसमें पैसा भी लग गया है। मेरे पास लगभग 61,000 थे, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 46,000 हो चुके हैं। 46,000 बोले तो 15-16 हज़ार का मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। चलिए ठीक है, देख लेंगे उसको। तो अब बहुत जल्दी हमारा पैसा आ जाता है, मतलब एक बार हम लोग इसमें लगा देंगे ना, तो आराम से 2 से 3 दिन तक, 3-4 दिन तक लगभग, गेम के हिसाब से, गेम का 3 से 4 दिन तक हम लोग को रीस्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है, उतने में हमारा पैसा आराम से निकल जाता है। यही मैंने आज बैठ के किया है, काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्राइंड करना पड़ा है। तो चलिए गाइस, इसको भी मैं फटाफट से लगा देता हूँ। और गाइस, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप लोगों को गाइस। और जो हमारी YouTube की फैमिली है वो है 1960, मतलब 1.96K की फैमिली हमारी हो चुकी है, और बहुत ही जल्द हम लोग 2000K। और नहीं बोलने दोगे भैया, गजब हद है भाई। और बहुत ही जल्द हम लोग 2000 फैमिली बनने वाले हैं, 2K की फैमिली बनने वाले हैं। सो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैं अनसब्सक्राइब करने का मौका ना दूं, जो कि मेरी पूरी कोशिश होती है। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसको करते हैं ओपन। एक मिनट, इसको तो मैंने लगाया ही नहीं, हमारा टाइम भी स्टार्ट हो गया। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ओपन हो ही जाओ, क्या ही दिक्कत है। और यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय को भी हायर कर लेते हैं। 1, 2, 3, अभी तीसरा आएगा, जल्दी ही आ जाएगा। इसको भी यहाँ से हम लोग फटाफट से लगा देते हैं। अबे लगना, चलिए ठीक है, लग गया। इतने में तो कस्टमर्स आराम से आ ही जाएंगे, बस अब हमें देखना है कि हमारी अर्निंग कितनी होती है। बस चुपचाप हम लोग बैठेंगे एकदम सेठ बन करके, बस पैसा गिनना है कि हमारे पास कितना पैसा आया है। ग्रोथ लाइसेंस हम लोग परचेस कर ले क्या, 5,600 का तो है, इतना पैसा तो है यार, कर ही लेते हैं चलो। वैसे अभी मैंने इसको लगाया नहीं है, अभी 2 लाइसेंस को हमने परचेस कर लिया है,
और जब देखा जाए कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ पे अनलॉक हुआ है। यहाँ तक शायद हम लोगों का पहले हो चुका था। ये गैलेट होम एंड चीज़, ये फ्रिज का आइटम है, ये ग्राउंड बीफ हैम पेस्ट्री है, हैम पेस्ट्री है, हैम है, क्या क्या गया भाई, लसंगने, लसगने, लहसुन होता है भाई, लसंगने क्या होता है, प्रो स्किट चिकन लेग, अरे वाह भाई, चिकन लेग पीस, कॉफ़ी मीडियम रोस्ट, सोडा सोडा सोडा, भाई साहब कितना सोडा बेचोगे यार, कितना ही सोडा, अरे लो नीचे भी सोडा है, शुगर लाइट ब्राउन, चलो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है भाई। अब हम लोग का जो स्टोर है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है, अच्छा खासा। अब हम लोग जो इसको अपग्रेड करेंगे तो मेरे ख्याल से यहीं से जाना ही चाहिए, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल $24,000 चाहिए हम लोग को, जिसमें कि अभी $34,901 बच गया, बहुत बढ़िया। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आए हैं भाई, मैं सोचा ना कि इसको और मैं कर लूँ एक्सपेंड, लेकिन फिर मैं सोचा कि कंजेस्टेड ज़्यादा हो जाएगा। इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट से लगा ही नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था। और इतना सारा सामान तो हमारा अभी तक यहाँ पर बचा ही हुआ है, इसको भी मैं लगाता ही जाऊँगा। खैर कोई नहीं, अरे डेवलपर अंकल जी अगर आप सुन रहे हो तो मेरी एक बात सुन लो यार, अरे डेवलपर अंकल जी अगर थोड़ा सा अगर ध्यान अगर आप दीजिए, अरे डेवलपर अंकल जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपडेट पे, हमें एक और एम्प्लॉय ला कर दीजिए भाई, स्टॉकर, जो कि हमारा ये सामान उठा उठा के रखे इस पे। अगर उठा के ना भी रखे तो एक ऐसा सिस्टम ला दो भाई कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा सारा सामान आ जाए यार, वेयर हाउस का ही कोई सिस्टम दे दो भाई, बहुत समय चला जाता है भाई, 1.5 घंटा हमारा लग जाता है इसी में ही। इतने में हम लोग तो भाई, इतने में तो भाई मैं एक वीडियो बना के तैयार कर दूँ, लेकिन क्या ही बताया जाए। देखिए कब अपडेट आता है। हेलो मैडम जी, अच्छा कोई एक सेक्शन खाली होगा ना तो मैं ऑर्डर करके उसको लगा देता हूँ। मुझे ये काम ना ये पूरा डे ख़त्म होने के बाद करना चाहिए था, क्योंकि हमारा कई सारा आइटम्स जो है वो सेल हो जाता। अब हम लोग को लेवल इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब हम लोग को 200-300 पॉइंट मिल भी रहा है ना, तब भी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 51 लेवल पे आ चुके हैं हम लोग। और जो शुरुआत में दिखाया था यार, ग्लिच था क्या कोई, मेरा तो फुल होने वाला था यार, लेकिन ये तो उसका आधा हो गया, तुरंत हम लोग माइनस चले गए क्या। वैसे ये मेरा सेटअप बढ़िया लग रहा है कि नहीं भाई, लोग बताएगा थोड़ा कमेंट करके। इसमें अगर मुझे कस्टमाइज भी कुछ करना होगा तो बताइएगा, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी तो यहाँ सबसे बढ़िया ही, अभी तो फिलहाल ये अच्छा ही दिख रहा है, ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं है, बढ़िया भी है। और हमारा ये सिस्टम जो है घूम फिर के वापस यहीं पर आ गया, मतलब ये चारों दिशाओं घूम लिया और आया अपने ही जगह। और मैंने लाइट्स को भी इधर से इधर कुछ कुछ किया है, आना टेढ़ा किया है, क्योंकि हमारा FPS बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, जिसके चलते मैंने थोड़ा सा छेड़खानी किया इसका। लाइट्स ऑन, अभी भी थोड़ा बहुत FPS ड्रॉप हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है मेरा आलू PC इतना झेल भी नहीं पा रहा है, इसको हाई कर दूंगा तो बेचारा ब्लास्ट ना कहीं कर जा, फिर भी ठीक ठाक चल ही रहा है यार। इसके ऊपर चढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है, चढ़ के मैं देख लेता यार, बॉक्स से बॉक्स आके चढ़ जा। ओ भाई चढ़ गया ये तो, हैं यहाँ चढ़ गया क्या, ओ भाई अब तो यहाँ चढ़ गया यार, इसके ऊपर चढ़ जाते यार तुम, थोड़ा सा मैं ऊपर छत पे चल जाता। हाँ भाई नीचे गिर गया, गजब, एक बार और ट्राई करता हूँ। सो गाइस हम लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, और इसी बात बात पे हमारे सारे के सारे कस्टमर्स चले गए हैं, कोई छूट तो नहीं गया यार, कहीं अंदर कोई बैठ तो नहीं गया, चलो सब लोग चले गए।
अच्छा खासा शॉपिंग किए कि नहीं यार? हमारे पास वैसे ए टू जेड सामान था, जितना भी हमारे पास जितना भी हम लोगों ने अनलॉक किया था आज को छोड़ करके, उतना सारा का सारा आइटम तो था। चलिए देखा जाए कितने कस्टमर्स आए भाई। अभी 57 कस्टमर्स आए, 16 लोग सेटिस्फाइड हुए भाई, बस 16 ही लोग हुए हैं। नॉट फाउंड, ये क्या नौटंकी है भाई नॉट फाउंड। हमने तो सारा का सारा आइटम मंगाया था, 22,322। अरे भाई साहब, इतना नुकसान में चल रहे हम लोग। कोई बात नहीं, कोनो सेल्फ खाली हुआ है भाई। चलो एक ठो ये हुआ, इधर इधर दो। मेरे ख्याल टॉयलेट वाला ही जो है वही खाली हुआ होगा। हाँ चलो ठीक है, चार। और कहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी मैं ऑर्डर कर देगा। खिजर है भैया जी, इधर से ना, एक दो तीन चार। ओ भाई फ्रिज का आइटम है यार ये सब, तो सब फ्रिज का है। सेल्फ वाला कोई सा नहीं है क्या भाई? ये रहा सेल्फ का, तो फिलहाल अभी मैं सेल्फ का ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद फ्रिज का कर दूंगा। कॉफ़ी मीडियम रोस्ट, ये हो गया, बस दो ही था। छोड़ो, मैं फ्रिज का भी साथ में कर देता हूँ। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही सामान अनलॉक हो गया है क्या यार? चलो बढ़िया है, 24 24 पीस है ये सब। अभी लगता है फ्रीजर वाले मुझे डबल डबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा आइटम तो वैसे ही आ गया है। अब ये क्या भाई, सोडा? कोई स्पेस खाली हुआ यार? लो, कोई तो खाली ही नहीं हुआ यार। हाँ इसी में आ जाओ, तब तक दूसरा लगा देते हैं हम लोग। ओ भाई, यहाँ स्पेस था क्या कि ख़त्म हो गया? ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया अभी तक। जगह तो रह नहीं गई है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। बाकी फ्रिज वाला आइटम तो खाली होगा तभी कुछ होगा, और जो सेल्फ वाला आइटम उसको मैं देख लेता हूँ। कौन सा सेल्फ वाला आइटम था भाई? ओ कोई आइटम ही नहीं है का यार सेल्फ वाला। ये रहा, किधर खाली हुए थे भैया तुम? नरवालो, नरवालो, ये क्या है भाई? डेरोम, आप यहाँ लग जाइए। बस इतना ही आइटम था, बाकी तो और था। फ्रिज वाला आइटम है तो वो तो खाली होगा तभी लग पाएगा। खैर कोई नहीं, चलिए ठीक है, अभी भी लॉस में ही चल रहे हैं हम लोग। अगला के लिए हमें कितना चाहिए यार? कैशियर वाला जो होता है उसको तो मैंने नोटिस नहीं किया, किधर गया? 1750। अरे भाई साहब, 700 800 लोगों को अभी हम लोग को और चेकआउट करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। वैसे भी मैं सोचा था कि यहाँ पे एक चौथा काउंटर लगाऊंगा, ये तो मेरा टेम्प्रोरी बेस पे है। उसके बाद यू आर बहुत सही, निकल जाओ चुपचाप, फटाक से निकल जाओ, अभी कोई नहीं आएगा। अरे यार, मैं बार बार प्राइस लगाना क्यों भूल जाता हूँ यार? 13 तो 15 कर देता हूँ इसको। कितना आइटम गया यार हमारा? वो गया होगा पक्का, जो फ्रिज का आइटम है, कहाँ कहाँ मैं लगाया था भूल गया। एक ये रहा, कितना भाई? $12 का भाई, $13 कर देता हूँ इसको। और दूसरा कौन सा था? एक ये रहे भैया जी, 15.59। अरे काफ़ी महंगा महंगा है यार, तो इसको 17 कर देता हूँ। सेल होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगला क्या था भाई? ये सोडा, यार इस सोडा का प्राइस इतना कम ही रहता है क्या हमेशा? सोडा जल्दी सेल भी नहीं होता यार, अगर उसका हम लोग रेट बढ़ा देंगे तो।
इसलिए उसको कमे पे रखना पड़ता हम लोग को। और क्या था भाई, चलिए और कुछ नहीं है, चलिए और कोई आइटम नहीं है। मैं फिर से ओपन कर देता हूँ यार, आधा सामान तो मेरा ऐसे लेके भाग जाएगा यार अगर हम लोग प्राइस नहीं लगाएंगे तो। कोई नहीं, चलिए कभी कभी हो जाता है हम लोगों से, बड़े बड़े सुपरमार्केट में छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, इसलिए हम लोग इसको मैनेज करके चल सकते हैं। और हाँ भाई लोग, जैसे हम लोग चेकआउट करते हैं ना, इसमें एक तो ये है कि हम लोग किसी से 1-2 डॉलर का घपला भी कर सकते हैं, जो कि मैंने 2-3 बार किया, बस चेक करने के लिए होता है कि नहीं होता है। ज़्यादा तो इन लोग को हम दे भी सकते हैं और इन लोगों से ज़्यादा हम लोग ले भी सकते हैं, मतलब बस 1 से 2 डॉलर का ही फ़र्क होना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि ये नहीं कि 500-600 हम लोग एक झटके में रपट लें, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा बस 1 से 2 डॉलर। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ठुको मैं फायर करता हूँ। कौन गया कौन गया, तीसरा वाला भैया गया, चलो ठीक है ये गया। मतलब ये बस कैश में काम करेगा, क्रेडिट कार्ड में काम नहीं करेगा। जो कैश वाले हैं भैया वो आओ ना, चलो ठीक है आ गए भैया जी आप। हाँ ये कैश दिया इन्होंने, देखिए जैसे कि 1 डॉलर है ना, तो मतलब मैं मुझे देखिए इसे मुझे 1 डॉलर चेंज देना है ना, तो मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पर मैं 50 सेंस करूँगा, और 50 सेंस का घपला, 50 सेंस हमारे पास आ गया। ये मतलब 1 से 2 डॉलर तक हम लोग घपला कर सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद नहीं कर सकते। एक बार ट्राई करूँ क्या, ज़्यादा का तो मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। अरे आओ भैया कोई कैश वाले आओ, तुम भी खा लियो मेरी तरह। गजब यार, इतना सामान है तो फिर इतना लेट क्यों लग रहा है यार सब कमाने में। कौन आ रहा है भाई, जल्दी आओ। हाँ भैया जी वोट का कैश वाले आप भी हैं, देखिए जैसे कि हमें इनको देना है 42 डॉलर का चेंज, तो मैं ले लूँ, नहीं दोगे अब वो भाई, हो गया शायद 10 डॉलर का हम लोगों ने घपला कर लिया, 10 से 12 डॉलर का। ऐसा मतलब कर सकते हैं हम लोग, ये ट्रिक पहले क्यों नहीं पता चली यार, इतना मैं रगड़ रगड़ करके इतना पैसा कलेक्ट किया हूँ और अब जाके मुझे ट्रिक पता चला है। और कोई आ रहा है, जल्दी आओ यार, क्या कर रहे हो, मुझे लाइट्स ऑन करना पड़ेगा। चलो जल्दी आओ, छोड़ो मैं एम्प्लॉई हायर कर लेता हूँ, मैं क्या घपला करूँ, अब जब पैसा अच्छा खासा आ ही रहा है तो क्या घपला करें हम लोग। ठीक है चलो। और हेलो छोटी बच्ची, अकेले दुकान में नहीं आते हैं, मम्मी के साथ आओ या पापा के साथ आओ, ऐसे नहीं आते, ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। हमारा सेल हो रहा है ना अच्छा खासा यार, यहाँ पे तो कुछ सेल ही नहीं हो रहा, ज़्यादा आइटम लगाने का भी दिक्कत है क्या कोई। यहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे कुछ लगा देना चाहिए शायद, जब एक्सपेंड होगा तब देखा जाएगा। एक्सपेंड एक कर दूँ क्या यार, 37,000 डॉलर तो है मेरे पास, अब अच्छा खासा पैसा तो आ ही जाता है, तो देखे क्या ग्रोथ में जा करके कहाँ से होता है ये, 24,600 का तो हो रहा है ये। क्या किया जाए यार, रिक्वायर्ड स्टोर लेवल 45, 40 पे तो अभी, अच्छा 40 वाला है ना, फिर से यार मैं क्या, कौन सा आइटम मैं बेच दिया भाई बिना प्राइस के, इस पे लगा है, इस पे लगा है, कौन सा आइटम हम बेच दिया भाई जिसे प्राइस नहीं लगा है यार। ये था भैया सोडा वाला, इसको तो हम लोगों ने प्राइस रखा ही नहीं और हमारा ख़त्म भी हो गया, यही नाटक होता है बस। हो गया अब तो कोई सा नहीं होगा, अभी जो बाहर का आइटम है ना भाई, उसमें मुझे उसको मुझे ध्यान से रखना पड़ेगा यार, ये छितरी भी इतना कैसे हो गया। कोई नहीं देख लेंगे हम लोग उसको भी। अरे आओ भाई कस्टमर्स लोग आओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग। तो 9 बज गया है, अब सभी लोग चले गए हैं वैसे भी, तो चलिए डे को एंड किया जाए। और कितना, 210 हमें मिला है स्टोर पॉइंट। ओ भाई प्रॉफिट में आ गए हम लोग इतना जल्दी यार देख रहे हैं 1,554 डॉलर के प्रॉफिट में आ गए हैं, चलिए मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस अभी हमारे पास 38,460 डॉलर हैं, तो क्या किया जाए, एक
एक्सपेंड कर दिया जाए, देख लेते हैं कि कहाँ पे ये एक्सपेंड होता है। तो चलिए 3 2 1 बूम हो गया। हाँ लेकिन आया नहीं यार ये। अच्छा आ गया, ये तो दूसरा आ गया ना यार, ये रहा। बहुत बढ़िया भाई, जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये हमारा यहाँ पे एक्सपेंड हो चुका है। चलिए ठीक है, अभी भी फिलहाल हम लोग को अब हमें कितना रुपये चाहिए भाई इसको एक्सपेंड करने के लिए? 31,000, 31,000 अभी हम लोग को और चाहिए भाई। ये देख रहे हैं, अब हम लोग का ये स्टोर जो अब ऐसे लंबा हो जाएगा, मतलब ये पीछे सरकता जाएगा भाई, ये इसका सेकंड फ्लोर का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो चलिए देखेंगे हम लोग इसको, और जब मैं इसको ऑफलाइन खेलूँगा ना, तो ये सब जो हमारे आइटम्स बच गए हैं इसको मैं फिल कर दूंगा जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। हेलो गाइस, अभी ऐसा हुआ ना कि अभी नया नया अभी गेम में अपडेट आया है। अभी मैं अपनी वीडियो को एडिट कर ही रहा था अपलोड करने के लिए, लेकिन जैसे ही मेरे को नोटिफिकेशन आया कि गेम में नया अपडेट आया हुआ है, और वो अपडेट स्टोरेज का है। देखिए यहाँ पे एक गेट बना हुआ है, और ये डायरेक्ट हमारे स्टोरेज से लिंक है यहाँ पर जाने के लिए। इस पार्ट को मैं ऐड कर दूंगा उसमें, क्योंकि हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उसके शायद मैं लास्ट में अपडेट करूँ, या तो कहीं भी अपडेट कर सकता हूँ मैं उसको। उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि हमारा नया अपडेट में क्या चीज़ आया हुआ है। भाई अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, और 3:30 बजे नया ये अपडेट आया हुआ है। और ये रहा वो सेक्शन, देखिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए मैनेजमेंट, यहाँ स्टोरेज, ये देखिए यहाँ पर है सेक्शन 2 का। इसको हम लोग अपग्रेड करते हैं। देखिए पहला ये है 800 का, दूसरा है 1200 का, और तीसरा है 1881। तो चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं कि कैसा है ये अपडेट। कुछ हुआ भाई अंदर साइड में? देखिए गाइस, ये हमारा स्टोरेज जो है ये बढ़ गया है, और इसमें जो सेल्फ भी मेरे ख्याल से ऐड हुए हैं स्टोरेज के लिए। इसको भी ज़रा देखा जाए किधर होगा। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट, फर्नीचर, ये देखिए स्मॉल स्मॉल रैक यही आया हुआ है। इसको भी हम लोग 2 ऑर्डर कर लेते हैं, 400 का है। मैंने आज की वीडियो में ये बात बोला था कि भाई एक तो या तो कोई ऑप्शन दे दे हमको अपडेट में, और गाइस फाइनली वो अपडेट आ गया। देख लेते हैं इसको कैसा है ये अपडेट भाई। इधर लग जाओ तुम पहले, एक इधर, और इस सेकंड वाला को मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ है कैरी, तो इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ उधर साइड में जहाँ हम लोगों ने एक्सपेंड किया था भाई, थोड़ा देर के लिए बस, फिर इसको हम लोग मैनेज कर देंगे। भाई ये रहा, लॉक्ड क्यों है भाई तू? तू अभी लॉक्ड क्यों है यार? और होगा क्या ये कहीं पर? और कहीं पर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। स्टोरेज 1200 का, चलो ठीक है देख ले अब। हाँ ये हो गया, 1200 पे हम लोग अनलॉक करेंगे। कितना था वो? मेरे ख्याल से तीसरे सेक्शन में था। उसको हम लोग अनलॉक करेंगे ना, तब ये हमारा लिंक हो गया। ओ रे भाई साहब, सीधे ये हमारा यहाँ पे लिंक हो गया है स्टोरेज के, स्टोरेज से। ये बढ़िया है भाई, अब हम लोग यहाँ से कोई सा भी सामान उठा करके जा सकते हैं। यहाँ सामान रखते हैं हम लोग एक बार, कोई सा इधर आ जा भाई। ड्रॉप प्लेस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से उठा के जाना पड़ेगा यार, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आया अभी तक। ये गड़बड़ हुआ यार। चलो खैर कोई नहीं, इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे वो भी अपडेट में आ जाएगा। ये बढ़िया है भाई, हम लोग यहाँ से उठा करके जा सकते हैं। वैसे कोई नया चीज़ था नहीं, हम लोग ऐसे ही उठा करके जा सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, बढ़िया है ये वाला। तो इसको अब मैं ऑफलाइन खेलूँगा तो मैं रख दूंगा अभी तो फ़िलहाल, बस इतना ही। बस मुझे अपडेट के बारे में बताना था, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है। तो हमारी वीडियो बस तैयार होने ही वाली थी, ये शायद 1 से 2 मिनट की वीडियो बनी होगी मेरे ख्याल से, 2 से 3 मिनट की। चलिए ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप कि आप लोग गेम को एंजॉय किए होंगे, और एंजॉय किए होंगे तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोग के लाइक से काफ़ी अच्छा खासा हमें, काफ़ी अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियो इस टाइप लेकर के आते रहते हैं। तो गाइस
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।